Sharp. आज हम खेल रहे हैं गोल्फ एंड मैं सनी एंड दो और खेल रहे जिनकी बॉल्स यहाँ पे एंड मैंने अपना फर्स्ट टी ऑफ कर दिया है। वहाँ से ऊपर जो आप हम देख रहे हो वहाँ से फर्स्ट शॉट लगता है एंड जो होल है वो है ये सनी जा रहे हैं एकदम वहाँ पे वो जो हम पे सो ये है पार फोर। तो इधर फोर स्ट्रोक्स मिलते खेलने को। ये है मेरी बॉल एंड वो जो फ्लैग आपको दिख रहा है वो है होल एंड यहाँ पे स्लोप है जैसे आप देख रहे हो राइट टू लेफ्ट है। हमें चिप करके लाना है उसको होल के पास। लेट्स सी तो ये हमारा थर्ड होल चल रहा है। मेरी बॉल आ गई है ग्रीन में वो मेरी होल के पास जो वो जो लड़का घूम रहा है वहाँ मेरी बॉल पड़ी हुई है एंड एज़ मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सबसे कम शॉट लेता है वो जीतता है। मैं अभी पहुँच गया थर्ड में। ये है पार फोर तो मेरा लास्ट शॉट है यहाँ पर। तो गोल्फ में बेसिकली चार लोग मैक्सिमम खेल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था फोर उसको कहते हैं जब चार लोग एक साथ खेलते हैं उसको बोलते हैं फोर बॉल। आज हम फोर बॉल खेल रहे मैं मेरे ब्रदर सनी एंड दो और। मेरा ये फोर्थ होल भी कंप्लीट हो गया एंड इसमें मैंने बनाया बोगी। बोगी का मतलब होता है जब आप जितने होल्स आपको गिवन होते हैं उससे एक स्ट्रोक एक्स्ट्रा लेते हो उसमें कहते हैं उसको बोगी सिंगल बोगी एंड अगर आप दो स्ट्रोक लो तो उसको कहते हैं डबल बोगी एंड अगर आप उसी स्ट्रोक्स में कर लो जितने गिवन है तो उसको कहते हैं पार। तो मेरा वो है बोगी प्लस वन। अब ये आ गया दूसरा होल वहाँ ऊपर से तो यहाँ से मारते हैं। अभी उन लोगों का गेम चल रहा है वहाँ पे एंड देखो साउंड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं पीछे पीछे। ये आ रहा है सनी इनका हो गया है होल मैंने पहले कंप्लीट कर लिया था तो मैं वेट कर रहा हूँ अपने। यहाँ से मैं टी ऑफ करूँगा ये जो आपको दिख रहे स्टोन्स इसके बीच में से टी ऑफ करना होता है एंड वहाँ पे जो वाइट कलर में खड़ा हुआ है अम्ब्रेला लेके वो जो फ्लैग आपको दिख रहा है वहाँ पे होल है। गुड शॉट। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्स्थ होल ये सिक्स्थ होल है कुतुब गोल्फ कोर्स का एंड पार थ्री मीन्स यहाँ पे थ्री शॉट्स आपको मिलते हैं एंड टोटल डिस्टेंस ये तीन कलर्स होते हैं बेसिकली ब्लैक ब्लू एंड रेड। तो ब्लैक सबसे लॉन्गेस्ट होल होता है। आप ब्लैक अमरूद लगे हुए एंड इसी के नीचे मेरी बॉल है एंड यहाँ से मुझे चिप करना है जहाँ पे वो खड़े हुए। शॉट एंड हमारी हालत हो गई है ख़त्म क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है बहुत ज़्यादा गर्मी। फोरकास्ट में था कि बारिश होएगी बट बारिश के कोई आसार नहीं है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। अब तो लग रहा है कि कब ख़त्म होएगा गेम। ये है मेरा होल एंड ये भी बॉल। कितना डिस्टेंस होगा भैया यहाँ से आप बता सकते हैं तो सैंडविच दे दो। मेरी बॉल अब यहाँ से मेरा पट हो जाएगा। अच्छा शॉट था यहाँ से और ये है होल। मैंने जो मारी थी उस पेड़ के सामने से मारी थी ये जो बड़ा पेड़ है तो यहाँ से यहाँ ही है मुझे करना है पट। तो कैसे देखते हो आपको बताता हूँ।
बेंड करके, अब आप देखो कि ये लेफ्ट से राइट हो रहा है, मतलब अगर मैं उधर से खेलूँगा तो मैं राइट टू लेफ्ट का इन है, एंड स्लो मारना पड़ेगा क्योंकि ये ग्रीन बहुत फास्ट होती है। ये है बंकर, यहाँ पे किसी का बॉल आके रुक गई है, एंड यहाँ से मारना सबसे टफ होता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट सैंड होती है, एंड इसके अंदर से डिक करके मारना। देखो एक और आ गई एग्जैक्ट सेम जगह, और इसका बेस्ट पार्ट जब इसको प्लेस करते हो तो आपका क्लब इस पर टच नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से मारना बहुत टफ होता है। दो बॉल राइट आराम से। निकल चुका हूँ, हमारी गेम ख़त्म हो गई, या इनफैक्ट हमने जल्दी ख़त्म कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गर्मी थी। मेरे को देख के आपको पता नहीं पता चल रहा है नहीं पता ना, बट बहुत बुरी हालत हो गई थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा था, एंड गेम ठीक था यार, ओके ओके, जब इतनी गर्मी होती तो उसका खेला नहीं जाता। एंड मैंने मास्क इसलिए उतार दिया क्योंकि अब मैं गुड़गांव में एंटर कर चुका हूँ, यहाँ पर कोई रूल नहीं है 500 रुपये वाला। एंड मैं आ गया हूँ घर, एंड आज चन्न अपनी बालकनी में देखे मोर, एक्चुअल में बालकनी के सामने वाले घर में थे, मैं आपको दिखाता हूँ काफ़ी पहले। बालकनी में आए ऊपर क्योंकि 10th फ्लोर में, तो हम तब से सोचे इतने ऊपर आए कैसे क्योंकि मोर तो ज़्यादा ऊपर तक फ्लाई करते नहीं है। तो अभी आप वीडियो देख के आओ फिर बताओ आप। ये है मोर, पता नहीं जूम करके दिख रहा है नहीं, बट या दो बड़े बड़े मोर सामने बैठे हुए। घर वालों को पता भी नहीं होगा कि उनकी बालकनी में, ओह 3 मोर है। दूसरी भी गई, एंड द थर्ड वन गोज ऑफ। बाय बाय मोर। फ्रेंड्स अभी बज रहे सुबह के 12:30, एंड रिचा आई थी सुबह एंड वो सो चुकी है, उसकी रात की फ़्लाइट थी 3 बजे की, एंड सुबह 7 बजे आई तो बिल्कुल ही रात को नींद नहीं, तो वो सो चुकी है। एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, पसंद आया होगा क्योंकि बॉल से रिलेटेड था। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, बट जितना भी था होपफुली आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, बिना लाइक करे मत जाना, एंड सब्सक्राइब करो। अभी भी मैं देखा काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो करो अगर पसंद आ रहा है। आपसे मिलते हैं कल एक और व्लॉग में, अब तक के लिए।